नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप। मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात मतदान की ही करेंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है। दमोह में 56.01%, होशंगाबाद में 64.76%, खजुराहो में 56.09%, रीवा में 49.44%, सतना में 61.33%, टीकमगढ़ में 58.59% वोट पड़े हैं। तो अब तक मतदान की क्या स्थिति है वो फिर से जान लीजिए। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 57% से ज्यादा वोटिंग। दमोह की बात कर ली जाए, 56.01% वोट यहां पर पड़ा। होशंगाबाद की बात कर ली जाए, 64.76% लोग यहां अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे कुल मतदाताओं में से। खजुराहो सबसे गर्म, 56.09% वोट यहां पर पड़े हैं। बात अगर रीवा की कर ली जाए, पिछले बार का वोटिंग परसेंटेज भी देख लीजिए, 2019 में क्या स्थिति थी, 24 में क्या है। रीवा में 49.44% वोट, जबकि 2019 में 60% वोट पड़ा था। सतना की बात करेंगे, 61.33%, जबकि टीकमगढ़ की हम बात कर रहे हैं 58.59%, और 2019 की बात कर ली जाए 70% से ज्यादा यहां आंकड़ा था। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी आज वोट डाले गए और यहां 73% वोटिंग हुई है। अकेले कांकेर की अगर बात कर ली जाए तो 74% से ज्यादा वोटिंग यहां हुई है। राजनांदगांव में 73% से ज्यादा मतदान हुआ है। महासमुंद में 71% से ज्यादा वोट डले हैं। यह छत्तीसगढ़ की स्थिति है। हालांकि छत्तीसगढ़ का जो फाइनल आंकड़ा है, चूंकि सुदूर इलाकों से मतदान कर्मी वापस पहुंचेंगे और उसके बाद यह आंकड़ा अपडेट होगा। इधर गरियाबंद में मतदान के बाद संवेदनशील इलाकों से मतदान दल सुरक्षित लौट कर आ गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल जिला मुख्यालयों के लिए रवाना भी हो गए हैं। पीपरछेड़ी थाना इलाके के संवेदनशील मतदान केंद्रों में वोटिंग भी हुई है। इधर दमोह संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान करवाकर लौटे मतदान दलों का स्वागत किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने फूल भेंट कर इन सभी का स्वागत किया। मतदान दलों का जिले के निर्वाचन अधिकारी समेत बाकी लोगों ने भी स्वागत किया। मतदान कर्मियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपनी ईवीएम जमा करवा दी है। इधर रायपुर में बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी हुई है। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद पटाखे फोड़े गए। कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद यहां पर वोटिंग हुई है आज। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, प्री सेलिब्रेशन टाइप का कुछ मना लिया गया लगता। इधर अंबिकापुर में कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस जीत रही है। आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुकी है। पहला चरण का मतदान अच्छा था, दूसरे चरण का मतदान भी कांग्रेस के लिए बेहतर रहेगा। इस तरह से दो चरण में 4 सीट का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है। देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के झांसे माने वाली नहीं है। इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी और देश में भी इस समय कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी।